आज आपको दूध की ऐसी दुकान दिखाने वाला हूं जो भाई मथुरा में बहुत ज्यादा फेमस है। इनका दूध पीने के लिए लोग आधा आधा घंटे लाइन लगाते हैं और एक दिन में ये 200 लीटर दूध बेचते हैं। और ये कढ़ाई जो आप देख रहे हैं इसमें भाई ये 70 लीटर दूध एक बार मिलाते हैं। और जो इनका दूध फेंटने का स्टाइल है ऊपर ऊपर उछालना, और ये जो इनका कुल्लड़ है इनको भी ऊपर ऊपर उछालते हैं, इसकी वजह से मथुरा में बहुत ज्यादा फेमस है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपने इनका दूध एक बार पी लिया तो आप कभी भी इनका दूध का टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई हम मथुरा की गलियों में से जब घूम रहे थे तो सारा जायका लिया, तो यहाँ पर भाई हमें एक चीज दिखाई दी और सब लोगों ने बताया यहाँ का जो सबसे ज्यादा फेमस दूध सर्दियों का और जो गर्मियों में लस्सी बनाते हैं भाई, ये दुकान है। सामने देख सकते हैं भीड़ इधर देखिए कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है इस दुकान पे। ये सारी भीड़ भाई इनके जायके की है, जो दूध का टेस्ट है इनका सर्दियों के टाइम पे। और गर्मियों में जो भाई इनकी लस्सी है ना, सबसे ज्यादा फेमस मथुरा में होने वाले हैं। भाई चलते हैं इनके पास, इनके दूध टेस्ट करते हैं हम भी, और आपको भी दिखाते हैं, टेस्ट करके बताते हैं कैसा दूध इनका होने वाला है। ये आप देख सकते हैं दूध को फेंटने का स्टाइल, देखिए आप इनका कितना ऊंचा ऊंचा दूध फेंट रहा है भाई। अगर आपने कहीं ऐसा स्टाइल देखा हो ना तो भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इधर आप दूध की कढ़ाई देखो तो ये कढ़ाई का साइज देखिए आप, कितना बड़ा साइज है। इतने बड़े साइज की कढ़ाई भाई आपको सिर्फ मथुरा जैसी जगहों पर ही देखने के लिए मिलेगी। हमारे दिल्ली में इतनी बड़ी कढ़ाई पर कहीं दूध नहीं बनाया जाता, और दूध बनता भी है तो सिर्फ ओनली व्हाइट दूध बनता है, ऊपर इतना सब कुछ नहीं डाला जाता। तो चलिए इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, राजू राजू। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? मुन्ना यादव। मुन्ना यादव, कब से चला रहे हो आप दुकान ये? 20 साल हो गए भैया। कितने? 20 साल। 20 साल से? अच्छा, और आपने जैसे ये दूध यहाँ पर लगा रखा है, मैंने देखा काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है देखने में, इसके ऊपर आपने क्या क्या मिला रखा है? उसमें मैंने सुहारी है, केसर है, बादाम है, इलायची है, ये तीन चार आइटम मिक्स करके नहीं लगाती हूँ। और ये जो यहाँ पे येलो कलर का और ऐसा कलर है, इसमें क्या डाल रहा है? कलर केसर का है। केसर का कलर है? अच्छा, और आप कितना इसमें कितने लीटर दूध होगा? इसमें 70 लीटर दूध आता है। 70 लीटर दूध एक दिन में पूरा खत्म हो जाता है? हाँ भैया, शाम को 5 बजे तक। शाम को 5 बजे तक भाई खत्म हो जाता है दूध। आप सोच सकते हैं कितने चाहने वाले थे शाम को 5 बजे तक, आप देखिए सारा दूध खत्म कर देते हैं। आप कुल्लड़ में सर्व करते हो? नहीं, कुल्लड़ में आता है। और आप एक बार बता दीजिए कि आप वो गर्मियों में लस्सी लगते हो और किस किस टाइम लस्सी और दूध होता है? भैया गर्मियों में लस्सी लगती है मेरी, और सर्दियों में दूध लगता है, और टाइमिंग मेरी होती है सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक। और एड्रेस क्या होने वाला है आपका? मेरा एड्रेस है चौक बाजार द्वारका के मंदिर के पास में। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो क्या होगा? प्राइस मेरे लगे हुए हैं। तो ये देखिए भाई प्राइस लिस्ट है उनके, 30 रुपए का 200 ग्राम, ये सारी है, मतलब इन्होंने अभी दूध का प्राइस लगा रखा है। मतलब आप गर्मी होगा तो लस्सी का प्राइस बच जाता है? हाँ जी, लस्सी का लगता है। अच्छा, लस्सी का पीछे लगा रखा है? ये देखिए भाई लस्सी का पीछे लगा रखा है, और यहाँ पर हमने लगा रखा है इन्होंने आगे दूध का प्राइस अपनी सर्दियों के लिए। तो हमारे लिए भाई इंटरेस्ट लगा दीजिए। चीनी आ गई? हाँ भैया, बहुत बढ़िया। मिलाने का स्टाइल देखिए भाई, दूध को फेंटने का स्टाइल देखिए भाई, बहुत ज़्यादा यूनिक है। इतना ऊपर ऊपर हाइट ले जाते हैं दूध के फेंटने में भाई, देखने वालों को भी मज़ा आता है और पीने वालों को भी। अब ये आगे भाई अपना कुल्लड़, ये देखिए भाई साहब कुल्लड़ को जो घुमाने का स्टाइल है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्टाइल हो रहा है इनका। ये देखिए झाग को निकाल लिया इन्होंने, ये मलाई आ गई भाई ऊपर से, बहुत बढ़िया भाई। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, यहाँ पर आप आओगे भाई आपको दूध की इतनी अच्छी खुशबू आ जाएगी, यहाँ सामने चौराहे पर खड़े होते हैं यहाँ पर आप खींचे चले आओगे खुद ही खुशबू से। तो चलिए जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं भाई। भाई दूध देख लीजिए अपना, दूध के ऊपर इन्होंने भाई इतनी भाई ठीक ठीक और गाढ़ी मलाई डाली हुई है कि इन्हें भाई चम्मच देनी पड़ी है। और अगर आपने कहीं दूध में देखी हो कि भाई चम्मच डाल के दे रहे मलाई खाने की, तो जरूर बताना, मैंने तो कहीं ज़्यादा देखी नहीं है। इसकी पहले मलाई टेस्ट करते हैं इनकी भाई। भाई जो मलाई है ना काफ़ी ज़्यादा ठीक है, और ऊपर से इन्होंने भाई थोड़ा चीनी का जो होता है ना भाई चूरा करके डालते हैं, बुरा टाइप डाला हुआ मलाई के ऊपर, ताकि भाई मीठी मीठी लगे ऊपर चबाने में। और भाई अंदर इन्होंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं ये देखिए, और ऊपर मलाई पे भी काजू बादाम डाले हुए हैं। और जल्दी से पी लेते हैं, भाई साहब बहुत बढ़िया, इतना अच्छा स्वाद आ रहा है, मज़ा आ गया। अगर भाई आप मथुरा आते हैं ना यहाँ पर भाई इनकी दुकान पर भाई दूध पीने सर्दियों के टाइम पर भाई जरूर है। नथ यादव के नाम से इनकी शॉप है, और एड्रेस यहाँ पर क्या होने वाला भैया? बराबर चौक।
है सराफा चौक यहाँ पे एड्रेस होने वाला है। और आप किससे भी पूछोगे ना भाई लस्सी की दूध वाले की दुकान भाई, कोई भी आपको बता देगा। और गर्मियों में लस्सी भाई बहुत ज्यादा टेस्टी है भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।